बिना धर्म का कोई समाज या देश नहीं चल सकता। जिस देश का धर्म जितना मजबूत होता है, उस देश का अस्तित्व भी उतना ही सशक्त और जीवंत होता है। जिस देश की मूल प्रजा अपने धर्म ध्वजा को जितनी मजबूती से थाम कर आगे बढ़ती है, वह देश उतने ही निर्भीकता से उन्नति पथ पर अग्रसर हो समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी पथ का निर्माता बनता है। लेकिन सेकुलर विचारधाराओं ने इस जमीन को हमेशा से ही कमजोर किया है। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने 16,000 से भी अधिक मंदिरों को तोड़ दिया था, लेकिन ये बात अभी भी सेकुलर लोगों के समझ में नहीं आ रही है। कहा गया है कि जो इंसान अपने इतिहास के गलतियों से नहीं सीखता, उसका इतिहास मिट्टी में मिल जाता है। हम लोग पहले भी जातियों में बंटकर अपना दुर्गति करवाए हैं और अब भी शायद करवाने वाले हैं। तभी तो द केरला स्टोरी मूवी को बहुत लोग हिंदुओं द्वारा मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में अपने ही हिंदू भाई के प्रति इतना नफरत भर गया है कि उन्हें दूसरे धर्म वाले साथी नजर आ रहे हैं। अभी तो कर्नाटक में हल्की सी जीत से मुसलमानों ने डिप्टी सीएम का पद मांगना शुरू कर दिया। यदि पूरी व्यवस्था उनके हाथ में आ जाएगी तो वो ये कभी नहीं देखेंगे कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए क्योंकि ये श्री राम का मंदिर है, और इस वाले मंदिर को मत तोड़ा जाए क्योंकि ये हमारे साथी यादव भाइयों के आराध्य श्री कृष्ण का मंदिर है। उनके लिए सब मंदिर एक समान और तोड़े जाने योग्य होता है। मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर इसका उदाहरण है। उसके बाद जय माधव और नमो बुद्धाय कैसे लिखा जाता है, ये बात मिस्र, बेबुलोन, इटली इन देशों से पूछ लेना, जिनका पूरा का पूरा सभ्यता ही इस्लाम के हाथों खत्म हो गया। शायद उनका इतिहास भी हमारे जितना ही ओजस्वी था, लेकिन आज वे लुप्त हो चुके हैं। इसलिए आप लोग एकजुट रहें। जिस प्रकार से पुष्यमित्र सुंग ने हिंदू धर्म से कन्वर्टेड लोगों का घर वापसी कराया था, उसी प्रकार भाजपा को भी पूरे मन से हिंदू धर्म से भटके हुए लोगों का घर वापसी अब करा देना चाहिए। केंद्र सरकार को तुष्टिकरण का राजनीति छोड़कर कम से कम केरल, असम, पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी पर ध्यान देना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण बिल पास करना इसका अहम इलाज है। जिस जोश के साथ भाजपा को वोट दिया गया था, उसी जोश के साथ केंद्र सरकार भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता तो मुझे लगता है कि भारतीय अस्मिता और सनातन संस्कृति पर जो कहीं ना कहीं विधर्मियों द्वारा चोट पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग निजात पा जाते हैं। यदि हिंदुस्तान में हिंदुओं से अधिक दूसरे धर्म के लोग हो जाएं, तो लानत है ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था पर। हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों और मठों से करोड़ों रुपयों का धन सालाना सरकार को दिया जाता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि किसी मस्जिद या मजार से एक टका भी नहीं मिलता। खैर, ये बातें हम अपने धर्म के शुभचिंतक होने के नाते बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का शायद इनसे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि अपनी संतानों को अपने धर्म के प्रति जागृत करें, अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताएं, उन्हें राम और कृष्ण द्वारा किए हुए समाज सेवा का ज्ञान दें, उनकी महानता बताएं, देवी देवताओं के सामने सर झुकाकर अपना अहम दूर करने का सुझाव दें। हमारे बच्चे और पीढ़ियां अपने धर्म के प्रति सजग ही नहीं हो पा रही है क्योंकि हम लोग उन्हें संस्कार नहीं दे रहे हैं। अपने धर्म को सनातन की शिक्षा दें जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। हमें अपने धर्म के प्रति अभिमानी बनाना होगा। साथ ही हिंदू परिवारों को भाषा, भोजन, भजन, भ्रमण, वस्त्र और भवन इन बातों के माध्यम से अपनी मिट्टी से जुड़कर जड़ों को अधिक मजबूत करना होगा। सुबह उठकर कम से कम सूर्य का पूजन, बड़ों का चरण स्पर्श, अभिवादन, आरती, ये सब शिक्षा हमें अपने पीढ़ियों को देना ही होगा। उन्हें बताया जाए कि हम सनातनी प्रकृति के पुजारी हैं, गाय, गंगा, पीपल हमारे पूजनीय हैं क्योंकि ये समाज के पोषक हैं, धरोहर हैं। योग के माध्यम से आसपास के बच्चों में भी संस्कार भरा जा सकता है, जो कि अब शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म में क्या होता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आज से आप अपने बच्चों और आसपास के भी बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता, रामायण, महाभारत के बारे में जरूर बताएंगे। इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और सबका कल्याण होगा। यदि आपको बुक नहीं खरीदना तो मोबाइल पर ही सर्च करके पढ़ाया जा सकता है। और अपने आराध्य शिव शंकर के नाम हर हर महादेव का जय घोष करके दसों दिशाओं में अपने धर्म का बिगुल फूंकना होगा
जिसे सुनकर आक्रांताओं का छाती फट जाए। तो दोस्तों, यदि हम लोग यह संस्कार अपने बच्चों में डाल दें तो निश्चित ही पूरे विश्व में हिंदू धर्म का डंका बजेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।